मोदी जी आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं भारत में। 1400 करोड़ टैक्स रिबेट आपने उन तमाम समाज को दिया जो मुसलमान और ईसाई नहीं है, आप क्यों नहीं हमको देते? नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर भारत के प्रधानमंत्री टीवी के इंटरव्यू में कहते हैं कि यकसान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर। मोदी जी आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं भारत में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नरेंद्र मोदी करेंगे और उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लेकर आते हैं, लव जिहाद का कानून बनाते हैं। बताओ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये कानून कैसे एक जगह जमा हो सकते हैं? बताओ उत्तराखंड में जो बीजेपी ने यकसां सिविल कोड यूसीसी बनाया, वो ये कहता है कि मुसलमान अपनी शादी निकाह से नहीं करेगा, गवाह नहीं होंगे और दुल्हन को मेहर नहीं मिलेगा, उसकी शादी होगी तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। बताओ नरेंद्र मोदी आप यूसीसी की मिसालें देते हैं, 1400 करोड़ टैक्स रिबेट आपने उन तमाम समाज को दिया जो मुसलमान और ईसाई नहीं है, आप क्यों नहीं हमको देते? भारत के प्रधानमंत्री एक और झूठ बोलते हैं, पूरे देश में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, दलितों का और पिछड़ा समाज से लेकर। नहीं नरेंद्र मोदी आपने गलती की, हमको दलितों का हिस्सा नहीं चाहिए, हमको पिछड़ा समाज का हिस्सा नहीं चाहिए, हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो। भारत के संविधान में दफा 15 और 16 कहता है आप हमसे इंसाफ करो। मैं आपको बता रहा हूं, आज नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के ऊपर 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? तालीम में और रोजगार में। अब ये 10% में न दलित जा सकता है, इस 10% में न अदर बैकवर्ड क्लास के पिछड़ा लोग जा सकते हैं, और ये 10% सिर्फ अपर कास्ट लोगों के लिए मोदी ने किया। बताओ नरेंद्र मोदी जो आबादी का 80% हिस्सा है, आप उनसे कह रहे हैं कि तुम 27% या 50% में अपना खेल खेलो, और जो इस देश के 10% हिस्सा है, 20% हिस्सा है, नरेंद्र मोदी उनको 10% हिस्सा दे रहे हैं। बोलो मोदी किसका रिजर्वेशन आप छीन रहे हैं? आप दलितों का हिस्सा मार रहे हैं,